हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी फॉर यू एनी टाइम। तो आज हम कॉलेज रिव्यू करेंगे कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे कि KNIT सुल्तानपुर के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस कॉलेज के प्लेसमेंट और इस कॉलेज के प्रोज और कॉन्स क्या क्या है, इस सब की डिटेल्स हम बात करेंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अब हम बात करेंगे, कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ है 1976 में। इसे KNIT के भी नाम से जाना जाता है। ये उत्तर प्रदेश में एस्टेब्लिश्ड है और सुल्तानपुर में है। यदि आपको वेबसाइट पे सर्च करना है तो वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाके आप वेबसाइट सर्च कर सकते हैं। यहाँ जो एक्सेप्टेड एग्जाम है वो UPSC और JEE Mains के थ्रू यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। जो इसके पॉपुलर कोर्सेज हैं वो BE, BTech, MTech और ME है। ये एक ऑटोनॉमस और गवर्नमेंट कॉलेज है। अब हम बात करते हैं, जो कोर्सेज हैं वो 11 कोर्सेज अक्रॉस 2 स्ट्रीम में पढ़ाए जाते हैं। अब हम बात करें यहाँ सीट मैट्रिक्स में, तो यहाँ सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और IT में 60-60 सीट्स हैं और IT में 40+4। ये जो 4 डबल मार्क बना है ये फॉर द स्टूडेंट दोज हु गेट रिलैक्सेशन इन एकेडमिक फीस, मतलब फी वेवर वाले स्टूडेंट्स की सीट है। तो टोटल 340 सीट्स प्लस 34 जो फी वेवर स्टूडेंट्स है उनकी सीट्स इस कॉलेज में अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं इसकी कट ऑफ। तो ये AKTU के टॉप 5 कॉलेजेस में हमेशा अपना स्थान लेके आता रहता है। तो इसकी रैंकिंग और इसकी कट ऑफ काफी हाई है। यदि आप जनरल हो और CSE में लेना चाहते हो तो 8600 से 1000 के बीच में ही आपकी कट ऑफ होनी चाहिए, और OBC हो तो 1100 से 1400, और SC ST हो तो 4 से 7000 के बीच में होनी चाहिए। तो आप यही देख लो कि इस कॉलेज का कट ऑफ मैं फॉर लेटरल स्टूडेंट, लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स एंड फॉर बीटेक स्टूडेंट्स, दोनों के लिए यहाँ मैंने पूरी कट ऑफ लगा रखी है। आप पूरी डिटेल से अपनी कैटेगरी से मैच करके इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। यदि आप इस साल UPSC में दे रहे हो और आपका रैंक 10,000 से कम है, यदि आप SC ST कैटेगरी में आते हो तब दे सकते हो। यदि 5,000 से कम है तो आप OBC और जनरल के लिए इस कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज इस कॉलेज की रैंकिंग और कट ऑफ काफी हाई है और काफी ज्यादा इसमें फाइट करना पड़ता है इस कॉलेज में अपनी सीट कंफर्म कराने के लिए। अब हम बात करते हैं इस कॉलेज की ट्यूशन की फीस की। तो इस कॉलेज की ट्यूशन फीस काफी कम है क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है। तो 55,000 फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक वाले बच्चों की सेम फीस है और 55,000 ही फीस लगती है। अब हम बात कर देते हैं हॉस्टल फीस की। तो 16,000 केवल हॉस्टल फीस इस कॉलेज में लगती है। आई थिंक मेस चार्जेस अलग से लगते हैं क्योंकि यहाँ हॉस्टल फीस है, हॉस्टल कॉशन मनी है और इंस्टीट्यूशन कॉशन मनी है। तो मतलब यहाँ मेस चार्जेस अलग से लेते हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन आप कॉलेज में काउंसलिंग के टाइम जाओगे तभी दे दी जाएगी। यहाँ मैंने हॉस्टल फीस भी लगा रखी है। अब हम बात करते हैं यहाँ के प्लेसमेंट की। तो हम मैं बात करूँ तो यहाँ जो प्लेसमेंट है वहाँ TCS, एंसल, लोहाई, स्ट्रिंगलर, एडोबी, टेक महिंद्रा, न्यूजेन एप्स और मिड टेक जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं और मास रिक्रूटमेंट कंपनीज भी आती हैं। अभी तक ये 2009 और 2010 का ये प्लेसमेंट रिकॉर्ड है जो कि काफी पुराना हो चुका है, लेकिन इस समय इस कॉलेज का प्लेसमेंट भी काफी अच्छा है। मतलब कि एज अ गवर्नमेंट कॉलेज होते हुए भी यहाँ इस कॉलेज में 10 लाख हाईएस्ट पैकेज पहुंच जाता है और एवरेज 5.5 लाख हो चुका है। तो अब मैं बात करूं इस कॉलेज में, काफी अच्छा कॉलेज है। यदि आपकी रैंकिंग UPTU या JEE Mains में काफी अच्छी है तभी इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। इस कॉलेज में फैसिलिटीज भी ज्यादा अच्छी अच्छी अवेलेबल, जैसे कि लाइब्रेरीज हैं जिसमें कि 50,000 से अधिक बुक्स हैं, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स की बुक्स प्रोवाइडेड है। कैफेटेरिया, हॉस्टल फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वाईफाई, शटल सर्विस, ऑडिटोरियम और लैब्स जैसी अच्छी अच्छी सुविधाएं इस कॉलेज में प्रोवाइडेड है। तो इस कॉलेज में आप तभी एडमिशन ले सकते हो यदि आपकी रैंकिंग अच्छी हो। इस कॉलेज का काफी अच्छा कॉलेज है। यदि आपकी रैंकिंग 5,000
से कम है, आपकी रैंक 5000 से कम है और आप जनरल हो, तभी इस कॉलेज में आपको कोई भी ब्रांच अवेलेबल हो सकती है। यदि आप SC ST हो तो 10000 से मिनिमम कम होनी चाहिए, और OBC और जनरल वालों के लिए 5000 से कम है। तो यदि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यदि चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना।